हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप सभी का बार बार कमेंट्स आ रहा था कि किस तरह से लाइव आते हैं, लाइव आने का पूरा प्रोसेस का वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आप सभी के लिए और आपके डिमांड पे मैं लाइव वीडियो कैसे आ जाता है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आप अपने चैनल में लाइव गेमिंग खेलना चाहते हैं या फिर लाइव ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल क्रोम पे चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम पे मैं राइट क्लिक करूँगी, उसके बाद यहाँ पर ओपन मैं इसे कर लूँगी, ठीक है। ओपन करने के बाद उसके बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। तो यूट्यूब वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। YouTube वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कॉर्नर में आपके चैनल का थंबनेल चैनल का आपका लोगो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे योर चैनल लिखा हुआ है, तो योर चैनल पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज चैनल है, तो कस्टमाइज चैनल पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब पूरा प्रोसेस जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। तो उसके बाद आपके कर्सर को फॉलो करिएगा, यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड लिखा हुआ है, तो डैशबोर्ड पे हम सिंपली इसे क्लिक कर देंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड वाले ऑप्शन में गो लाइव वाले ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम गो लाइव पे ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। जैसे ही गो लाइव पे ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक स्ट्रीम है, एक वेब कैम है, एक मैनेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेब कैम जैसे कि मैं अपने लैपटॉप पे कर रही हूँ, आप इसे अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइटल है, तो यहाँ पर मैं टाइटल दे दूँगी। तो सपोज़ मैं यहाँ पर कोई एक गेमिंग चैनल आपको समझाने के लिए मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गेमिंग लिख देती हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, टाइटल दे दिए, डिस्क्रिप्शन दे दिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे कैटेगरी है, अगर आप ब्लॉग के हिसाब से आप लाइव आना चाहते हैं, या फिर गेमिंग के हिसाब से, या फिर एडुकेशन के हिसाब से, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपने कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे गेमिंग रखूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये गेम द टाइटल, अगर टाइटल का अगर आप जो गेमिंग टाइटल यहाँ पर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। फिलहाल ये ऑप्शनल डाल देंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है, तो अपलोड थंबनेल, तो यहाँ पे आप अपना थंबनेल अपलोड कर सकते हैं कि मैं इतना बजे लाइव आ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जरूर डाल दीजिएगा इसे, ठीक है। तो यहाँ से कोई जो भी आप प्लेलिस्ट का कैटेगरी बना कर रखें, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा येस और नो, तो यहाँ पर हमेशा आप नो करिएगा, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। भले ही ये बच्चों के लिए बनाए, लेकिन इसे इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, इसका मतलब क्या होता है ना कि अगर आप येस मेड फॉर किड्स अगर कर दीजिएगा ना, तो आपके चैनल पे जितने भी ऐड आएंगे ना, वो बच्चे वाले आएंगे, और आपको पता है कि बच्चे वाले ऐड नहीं हैं, जिन्हें मतलब गिन चुन के बने हुए हैं, ठीक है। तो इसे आप नो ही रखिए तो ही बेहतर होगा। उसके बाद सो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैग, अगर आपको अपना गेमिंग चैनल के हिसाब से डालना होगा तो आप यहाँ पे अपने टैग डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रीम लोकेशन, अगर आप इंडिया में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, यहाँ पे डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। फिलहाल ये नॉन है, तो इसे हम नॉन ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप नीचे में आ जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैसेज डिले। जब आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो कोई भी अगर आपका सब्सक्राइबर अगर आपको मैसेज करे, तो वो मैसेज आपको कितने सेकेंड के बाद देखने को मिले, आप यहाँ पर उस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए स्लो मोड है, अगर आप 60 सेकेंड के हिसाब से लेना चाहते हो या 1 मिनट के हिसाब से लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आराम से उसे चूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो चलिए इसे, ठीक है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे देखिए विजिबिलिटी, यहाँ पे प्राइवेसी है, तो आप देखिए इसे प्राइवेट रखना चाहते हैं, अनलिस्टेड रखना चाहते हैं, या पब्लिक इसे करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि फ्रेंड्स, अगर आप जब लाइव आएंगे, तो लाइव आते वक्त जो आपका वीडियो जो रिकॉर्ड होगा, आप जो अपने सब्सक्राइबर से बात कर रहे होंगे, या फिर अपने सब्सक्राइबर के साथ जो गेम खेल रहे होंगे, ठीक है, वो एक वीडियो तैयार हो जाएगी आपको, ठीक है। तो उस वीडियो को आप प्राइवेटली रखना चाहते हैं, या फिर उसे अनलिस्टेड रखना चाहते हैं, या अनलिस्टेड का मतलब होता है आप किसी को नहीं दिखाना चाहते सिवाय आपके, ठीक है। आप उन्हीं को दिखा सकते हैं जिनको इस वीडियो का लिंक आप शेयर करेंगे,
ठीक है, अनलिस्टेड का मतलब यही होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी वन विद द स्ट्रीम लिंक कैन वॉच योर स्ट्रीम। अगर आप किसी को इस चैनल का लिंक, इस वीडियो का लिंक उनको सेंड करेंगे तो ही वो देख पाएंगे, ठीक है, अनलिस्टेड का मतलब ये होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पब्लिक है, जैसे ही आप लाइव वीडियो आपका ख़त्म हुआ ना, ये ऑटोमेटिक ये पब्लिकली चला जाएगा। तो डिपेंड करता है आपको कि आप किस हिसाब से इसे यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे अनलिस्टेड रखती हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं ये लाइव नहीं आ रही हूँ, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शेड्यूल है, तो आप जो लाइव आएंगे ना, लाइव वाले वीडियो आपका कब आएगा, तो यहाँ से आप डेट चूज कर सकते हो और आपका यहाँ पे टाइमिंग भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। सारे चीज़ होने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए डन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा ये प्रोसेस ले रहा है, तो इसे लेने देते हैं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रीटेक थंबनेल। अगर मान लीजिए सपोज आप थंबनेल गलती से लगा दिए, ठीक है, या फिर कुछ भी गलती बाई चांस मिस्टेक हो चुका, तो यहाँ से आप रीटेक थंबनेल ले सकते हैं या फिर अपलोड कस्टम थंबनेल। आप यहाँ से कस्टम थंबनेल का मतलब होता है जो वीडियो में जो चलेगा ना, उसी में से कोई एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स को लेकर आप थंबनेल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको चाहिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सपोज आपको एक गलती कर दिया टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, या फिर जो आप सेटिंग्स से जो भी मैं बता कर आई हूँ, तो उसे आपको ठीक करना, तो यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर जाकर आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए गो लाइव है, तो यहाँ पे गो लाइव वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आई लाइव आना शुरू हो जाएगा आपको। तो चलिए एक बार दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं लाइव आ चुकी हूँ, ये फिलहाल मैंने अपना हैंड यहाँ पे मैं रख दी हूँ, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया कि आप किस तरह से लाइव यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका लाइव चालू हो गया, कितना लोग आपको देख रहा है ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, कितने लोग आपको लाइक कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में देख कोना में आप देख सकते हैं कि से समथिंग जो लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। तो जो लोग भी आपको कमेंट करेगा आप वहाँ पे सिंपली उसे देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि आपको काफ़ी पसंद आया, तो वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह अमेजिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए व्यूज़।